ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज पढ़ी फॉर द सेम दैट इज द माइटोसिस इज कॉल्ड एज, माइटोसिस इज कॉल्ड एज द इक्वेशनल डिवीजन, राइट। माइटोसिस इज कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन एंड मियोसिस इज कॉल्ड एज अ रिडक्शनल डिवीजन। व्हाई माइटोसिस इज कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन, दिस इज बिकॉज, इसको हम इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम हमेशा आंसर देते हैं क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो पेरेंट सेल से डॉटर सेल में सेम रहते हैं, हम इसको इक्वेशनल बोलते हैं। क्यों इक्वेशनल बोलते हैं, क्योंकि अगर ये सेल सपोज 2n है एंड द नेक्स्ट सेल्स दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस, देयर विल बी एज अ रिजल्ट ऑफ माइटोसिस ऑलवेज टू सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द डिवीजन ऑफ अ सिंगल सेल, ठीक है। ऑल्सो द क्रोमोसोमल काउंट ऑफ बोथ द सेल्स रिमेन्स द सेम, दैट इज डिप्लॉयड था तो डिप्लॉयड रहेगा। क्रोमोसोमल सेट ऑफ जो क्रोमोसोम्स हमारे पास बनते हैं तो दैट इज माइटोसिस में सेम रहते हैं, 2n था तो 2n, 2n, n था तो nn, ठीक है। तो दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज इक्वेशनल, राइट, वी ऑलवेज गिव दिस रीजन। बट बेसिकली व्हाई इट इज अगेन हैविंग द सेम सेट, क्यों ऐसा सेम सेट हो पाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द मेटाफेज। द रीजन लाइज विद इन द मेटाफेज, वेयर इन मेटाफेज दिस यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाई दिस इज इक्वेशनल, ठीक है। ये तो आप बता देते हो, हाफ क्रेडिट आपको मिलता है अगर आप ये बताते हो कि ये उसका सेट ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है। क्यों इसको हम लोगों ने रीजन स्टिल बताना है कि सेम भी क्यों रहता है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर योर रीजनिंग आंसर शुड नॉट क्रिएट अनदर क्वेश्चन, ठीक है। जो भी आप आंसर देते हो वो इतना कुछ जस्टिफाइड होना चाहिए, इतना सेटिस्फाइड होना चाहिए कि उसके आगे एक और क्वेश्चन ना बने, ठीक है, उस रीजन के ऊपर एक और क्वेश्चन क्रिएट ना हो। सो दिस इज मेटाफेज। मेटाफेज इज व्हाट, मेटाफेज इज द मिडल फेज ऑफ दिस पर्टिकुलर एम फेज के ऊपर ही हमारा सेकेंड फेज आता है मेटाफेज, जहां पे मेटाफेजिक प्लेट बनता है। अगर मैं माइटोसिस में मेटाफेज की बात करूं तो दिस इज फॉर माइटोसिस देयर इज ओनली अ सिंगल इक्वेशनल प्लेट और द इक्विटोरियल प्लेट और द मेटाफेजिक प्लेट इज फॉर्म्ड, है ना। और जितने क्रोमोसोम्स होंगे वो सारे के सारे यहीं पे लाई करेंगे विद द सेंट्रोमेर्स, यहीं पे लाई करेंगे ना ये सारे क्रोमोसोम्स। एंड इफ द क्रोमेटिड्स, जैसे ये इसके ऊपर जो क्रोमेटिड्स लगे हैं, इफ द टू टू क्रोमेटिड्स दे आर मूविंग टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स, अगर ये दो दो क्रोमेटिड्स चले भी जाते हैं तो इनका डीएनए कंटेंट ऑलरेडी डुप्लीकेटेड था। ये सब समझाना है आपने, डीएनए कंटेंट ऑलरेडी डुप्लीकेटेड था तो दैट अनवाइंड्स आफ्टर द टेलोफेज एंड अगेन द होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इज ऑब्टेंड। अगर ये चार बनाए हैं तो चार ही हमारे एक पोल में एक सेल में चले जाएंगे और चार ही हमारे दूसरे पोल में दूसरे सेल में चले जाएंगे, ठीक है। एक सेल इस तरह बनेगा, एक सेल इस तरह बन रहा है, तो दिस इज वन पोल सेकंड पोल, तो हाफ द नंबर ऑफ क्रोमेटिड अगर वहां ऊपर जा रही है, ठीक है, लेकिन डीएनए कंटेंट पूरा जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी डुप्लीकेटेड था इन एस फेज। तो ये हमारा मेन रीजन है मेटाफेज प्लस एस फेज का, दोनों का कंसेप्ट आपने यहाँ पे समझाना है, गिविंग द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड एज इक्वेशनल एंड व्हाई रिडक्शनल। रिडक्शनल का हमने कल भी कंसेप्ट लिया था, फॉर मियोसिस ओनली मियोसिस वन इज रिडक्शनल, ठीक है, ओनली मियोसिस वन इज रिडक्शनल, वेयर एज द मियोसिस टू इज सेम एज माइटोसिस दैट इज इक्वेशनल, ठीक है। तो मियोसिस वन रिडक्शनल क्यों है, मियोसिस टू इक्वेशनल क्यों है, मियोसिस टू माइटोसिस के इक्विवेलेंट कैसे है, तो दीज आर अगेन द रीजंस, ठीक है। व्हाई मियोसिस वन इज रिडक्शनल, बिकॉज ऑफ द मेटाफेज, अगेन दिस इज वन, वी आर टॉकिंग अबाउट द वन मियोसिस वन, सो दिस इज बिकॉज ऑफ मेटाफेज वन, ठीक है, वेयर टू ऑफ दीज मेटाफेजिक प्लेट्स आर फॉर्म्ड। एंड व्हाई द टू ऑफ द मेटाफेजिक प्लेट्स आर फॉर्म्ड, इसकी कल हमने बात कर ली थी, ठीक है। व्हाई द टू मेटाफेजिक प्लेट्स आर फॉर्म्ड, दैट इज क्योंकि ये दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं वो टेम्परेरली अभी तक सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। एंड व्हेन दे आर प्लेस लाइक इन द टू मेटाफेजिक प्लेटफॉर्म्स, राइट। एंड ऑल्सो व्हेन द क्रोमोसोम्स दे मूव, क्योंकि दो प्लेट्स बन गई, अब अगर क्रोमोसोम जाएंगे दो प्लेट्स हैं, अगर दो यहाँ पे अलग अलग सेपरेट सेपरेट लाइंस क्रिएट हो गई हैं, तो जो सेंट्रोमियर यहाँ पे है वो पूरा क्रोमोसोम लेके इधर चला गया, जो सेंट्रोमियर यहाँ पे है वो पूरा क्रोमोसोम लेके दूसरे पोल की तरफ चला गया, तो दैट इज व्हाई द नंबर रिड्यूसेस टू हाफ, ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएगा। अगर ये पहले हमारे पास चार क्रोमोसोम थे, दो ऊपर वाले पोल में दो नीचे वाले पोल में, एंड हेंस द नंबर इज हाफ, ठीक है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज अ रिडक्शनल डिवीजन। ओके, योर आंसर्स शुड बी प्रॉपरली एप्रोप्रिएटली जस्टिफाइबल, राइट। सो दीज आर द रीजंस व्हाई दे आर कॉल्ड एज इक्वेशनल एंड रिडक्शनल डिवीजन। एंड व्हाट इज देयर सिग्निफिकेंस, वेयर आर दीज टाइप ऑफ द डिवीजन यूज,
माइटोसिस इज यूज्ड इन द रिपेयर ऑफ द सेल टॉर्न एंड वॉर्न, जो भी सेल्स होते हैं हमारे टिश्यू रिपेयर्स में, सेल रिपेयर्स में, ठीक है. सो टिश्यू रिपेयर्स में, सेल रिपेयर्स में, या फिर हमारी जो इंजरीज हैं वहां पे, सो दीज आर ऑल बेसिकली टेकिंग प्लेस, द माइटोसिस इज टेकिंग प्लेस व्हेन द नंबर इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिड्यूस्ड हाफ, ठीक है. बट व्हेन द नंबर इज रिक्वायर्ड टू बी रिड्यूस्ड, दैट इज हाफ करना है. इट इज ओनली द केस व्हेन देयर इज गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है. सो फॉर द गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट्स यूनिवर्सली आर द स्ट्रक्चर्स व्हिच आर हैप्लॉइड, ठीक है. गैमीट्स यूनिवर्सली हैप्लॉइड होने हैं. अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है the parent organism was haploid and for producing the gametes, which type of the division it will follow, either mitosis or meiosis, tell me. Haan ji, tell me, if the parental organism or the parent cell that is haploid, then what type of the division will be used for the formation of the gametes in this organism, for the formation of the gametes. बोलो, रेज योर हैंड्स. यस, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड. बेटा रेज योर हैंड्स फॉर द आंसर, वेदर करेक्ट और रॉन्ग यू विल बी सेइंग, जस्ट ट्राई एटलीस्ट. हाँ जी सहज, बोलो सहज. मैम मियोसिस. मियोसिस. रमनजीत. रमनजीत से योर आंसर. माइटोसिस ही करेगा. हैप्लॉइड. गुरसिमरन. वन इज माइटोसिस. गुरसिमरन इज सेइंग माइटोसिस. दिस इज माइटोसिस. व्हाई माइटोसिस बेटा? कल मैंने ये समझाया था, मियोसिस जो है वो डबल सेट, टू एन में से हाफ हो सकता है, एन एन हो सकता है, लेकिन एन बाय टू कंडीशन कैसे आएगी? मियोसिस अगर होता है सहज, या बाकी जिनको भी ये आंसर नहीं समझ आया, प्लीज लिसन हियर केयरफुली. Already I told you just now, the gametes are universally haploid, है ना? Haploid बनाने हैं. Parent तो already haploid है, gametes भी haploid haploid होंगे. तो ये कौन सा type of division चल रहा है? Equational नहीं चल रहा. This is N is going to give rise to N and N, है कि नहीं? This is not going to give rise to N by 2. N by 2 condition का मतलब क्या होता है? There was one set जिसका कोई copies नहीं था, उस वन सेट का भी तुमने हाफ कर दिया. अगर एट क्रोमोसोम से n इज इक्वल टू एट, अगर शुरुआत में हमारे पास इसी मेंबर का n इज इक्वल टू एट था, आठ क्रोमोसोम थे, लेकिन अब आपने क्या किया, इसको आठ को भी हाफ कर दिया, फोर एक तरफ फोर एक तरफ, मतलब एक में आधे करेक्टर्स आएंगे, आधे करेक्टर्स दूसरे गैमेट के साथ दूसरे ऑर्गेनिज्म में आएंगे. ऐसा पॉसिबल है? नहीं है, है ना? ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर से एक करेक्टर ही खत्म हो जाए, एक करेक्टर ही खत्म हो जाए. पॉसिबिलिटीज आती है ह्यूमंस में, जैसे नॉन डिसजंक्शन से हो जाता है ऐसा, जिसमें कई ऑर्गेनिजम्स में क्रोमोसोम ही कम हो जाता है, तो दे आर हैविंग द डिसऑर्डर्स, दीज आर द डिसऑर्डर्स, ठीक है. दे वोंट बी द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, सो आर द अदर ऑर्गेनिजम्स आल्सो. तो वो डिसऑर्डर्ड होंगे, मतलब उनके करेक्टरिस्टिक्स नॉर्मल के जैसा नहीं होंगे. अब मेरा क्वेश्चन क्या था, पेरेंट वॉज ऑलरेडी हैप्लॉयड, इट हैज टू प्रोड्यूस गैमीट्स बाई विच डिविजन, दैट इज गैमीट फॉर्मेशन. नो डाउट मियोसिस से हो रहा है, लेकिन in the diploid or the 2n type of structures, hai na, 4n structure, 2n structure, wahan pe hoga ye meiosis. N mein meiosis nahi hona, kabhi bhi nahi hona, samajh aaya? Kyunki agar meiosis hota hai to wo n by 2 condition dega, jo ki survive hi nahi kar sakti hai, theek hai. 50% characters aa gaye, kisi ek mein eye aa gaya, eye color aa gaya, dusre mein eyes ka character hi nahi aaya, aisa ho sakta hai? एक में स्किन का कलर आ गया, दूसरे में आया ही नहीं. एक में हाइट का करेक्टर आ गया, दूसरे में आया ही नहीं. ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना, ठीक है. एवरी करेक्टर हैज टू बी शिफ्टेड. हाँ, एक आधे करेक्टर के लिए, एक आधे क्रोमोसोम के लिए कुछ डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, लेकिन फॉर 50% ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स डिसऑर्डर नहीं आ सकता, ठीक है. तो दैट इज नॉट पॉसिबल. एन बाय टू कंडीशन इज नेवर एवर पॉसिबल. ओके सहज एंड द अदर्स, दोज हु आर कंफ्यूज्ड विद द क्वेश्चंस. सहज ओके, हैव यू गॉट द कंसेप्ट? हाँ जी सहज, ओके. यस मैम. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट द कंसेप्चुअल क्वेश्चंस रिलेटेड टू दीज कॉन्सेप्ट्स ऑफ द सेल डिवीजन. ओके, फर्दर मोर कमिंग टू द वेरियस ऑफ द डिवीजन्स. अब यहाँ पे हमने गैमेट फॉर्मेशन की मैं बात कर रही थी, तो गैमेट फॉर्मेशन अगर 2n में होता है, सो फर्स्ट टाइम इट इज गोइंग टू गिव n एंड n, जो कि हैप्लॉइड कंडीशन होनी चाहिए गैमेट्स की,
और मियोसिस टू के साथ ये हमेशा एन 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 देगा, यानी कि चार नवे सेल्स देगा, ईच विद एन कंडीशन हैप्लॉइड, दैट इज हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. ओके, जो अभी हमने यहाँ पे किए, इनिशियली द पेरेंट वॉज हैविंग द फोर क्रोमोसोम्स, बट नाउ द डॉटर सेल्स आर हैविंग ओनली टू, टू इधर आ गए, टू उधर चले गए. ठीक है, सो दे आर हैविंग ओनली टू. ठीक है, सो दिस इज द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स दैट विच आर रिड्यूस टू द हाफ इन द केस ऑफ मियोसिस. ठीक है, गेटिंग. ओके, नाउ कमिंग टू दिस फर्दर, माइटोसिस में, मियोसिस में हम लोगों ने इसकी वेरियस स्टेजेस भी पढ़ी और स्टेजेस वाइज आप लोगों को आई गेस सारे उसके चेंजेस पता हैं, बट जस्ट समिंग अप द वेरियस चेंजेस ऑफ माइटोसिस. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द चेंजेस सीन इन माइटोसिस, माइटोसिस में चेंजेस क्या हैं? सबसे पहला आता है हमारे पास प्रोफेज, है ना. प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपेयर हो जाती है. प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर्स, न्यूक्लियोलस डिसअपेयर्स, ऑल्सो द क्रोमोसोम्स आर कंडेंस्ड, दे आर बिकमिंग प्रॉपर फोर आर्म्ड स्ट्रक्चर उनका नजर आना शुरू हो जाता है. ठीक है, सो दीज आर द विजिबल चेंजेस सीन इन द प्रोफेज. ऑल्सो द क्रोमोसोम्स, दे आर नॉट प्रेजेंट एट अ पर्टिकुलर लोकेशन और अ पोजिशन, दे आर फ्रीली मूविंग विद इन द होल सेल, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो चुका है. ठीक है, सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब डिसअपेयर हो जाता है, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर्स, न्यूक्लियोलस डिसअपेयर्स, ये सारे इसके आपने आगे फीचर्स पढ़े हुए हैं, लिखे हुए हैं. सो जब ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो जाएगा, पूरा का पूरा सेल सरफेस इस क्रोमोसोम के पास है, एंड दे कैन मूव फ्रीली एनीवेयर, राइट. सो दैट इज डन इन द प्रोफेज. ठीक है, अलोंग विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस ऑल्सो डिसअपेयर्स, न्यूक्लियोलस भी डिसअपेयर हो जाता है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपेयर्स, क्रोमोसोम्स कंडेंस, क्रोमोसोम्स कंडेंस हो जाएंगे. ठीक है, दैट इज दे विल बी क्रिएटिंग देयर फोर आर्म्ड स्ट्रक्चर. फोर आर्म्ड स्ट्रक्चर मतलब इनकी चारों आर्म्स विजिबल होंगे. ठीक है, एंड दे आर फ्रीली अरेंज्ड. फ्रीली अरेंज्ड मींस दे आर फ्री टू बी देयर इन द होल ऑफ द सेल सर्फेस. ठीक है, इनसाइड सेल सर्फेस, राइट. देन फॉलोड आफ्टर प्रोफेज इज द मेटाफेज. अब मेटाफेज में क्या आएगा? मेटाफेज इज द वन, मेटाफेज क्या है? इट इज द वन इन विच देयर इज अ मेटाफेजिक प्लेट फॉर्मेशन, दैट इज एन इमेजिनरी लाइन जहां पे सारे क्रोमोसोम्स आके जुड़ जाते हैं. ठीक है, सो ऑल द क्रोमोसोम्स बेसिकली लाई एट द मेटाफेजिक प्लेट. ठीक है, मेटाफेजिक प्लेट का अपना सिग्निफिकेंस क्या है? क्या होती है ये मेटाफेजिक प्लेट? इट्स एन इमेजिनरी लाइन, लेकिन ये मेटाफेजिक प्लेट, जैसे हमने ये मेटाफेज है सपोज, ठीक है, द सेल शोइंग द मेटाफेज, इट्स एन इमेजिनरी लाइन जिसके ऊपर सारे क्रोमोसोम्स के ये सेंट्रोमेयर्स आके लग गए, है ना. ये वो वाली लाइन है जहां पे फ्यूचर सेल वॉल भी प्रोड्यूस होगा, है कि नहीं. दो सेल्स हैं, दो डिवाइड होने हैं, तो वो इक्वल हाफ में डिवाइड होने हैं, तो वो इक्वेशनल डिवीजन दे, इक्वेशनल नहीं मतलब इक्वल सेल साइजेस बनाए, इक्वल सेल्स में रिजल्ट करे, तो उसके लिए ये एक फ्यूचर सेल वॉल की तरह भी एक्ट करेगी. यहाँ पे आके बनेगी ये सेल वॉल, या सेल मेम्ब्रेन एनिमल्स में फर्विंग होता है ना, तो उसमें इस जगह पे से फर्विंग होगा. ठीक है, सो इट इज एन इमेजिनरी लाइन दैट इज क्रिएटेड एट द मेटाफेज, दैट इज अ मेटाफेजिक प्लेट. ऑल्सो ऑल द क्रोमोसोम्स गेट कंडेंस्ड ओवर, अरेंज्ड ओवर दिस पर्टिकुलर प्लेट. ठीक है, सो दैट द क्रोमोसोम्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वेरियस डॉटर सेल्स. ठीक है, देन इज एनाफेज. एनाफेज क्या करेगा? एनाफेज के अंदर देयर इज द शिफ्टिंग. ठीक है, दैट इज द क्रोमोसोम्स दैट विच हैव बीन प्रेजेंट ऑन द मेटाफेजिक प्लेट, they will be shifted towards the two opposite poles. Mitosis में जो एक सेंट्रोमेयर बीच में मेटाफेजिक प्लेट पे लगते हैं, वो भी स्प्लिट हो जाते हैं. क्यों क्यों स्प्लिट होते हैं? ये मेटाफेज था. ठीक है, अब मेटाफेज के बाद जब एनाफेज आएगा, तो यहाँ पे दो दो सेंट्रोमेयर्स ऐसे हर एक क्रोमोसोम के लिए नजर आते हैं. द फुल डायग्राम्स आई एम नॉट मेकिंग बेटा, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव मेड इट सो मेनी टाइम्स. द सेंट्रोमेयर्स दे हैव स्प्लिटेड हियर. व्हाई आर वी possibly looking onto the two splitted centromeres here? Batao. Why the splitting of the centromere takes place here? And does it take place in meiosis also? Two questions. Splitting of centromeres is taking place in anaphase. Does it take place in the mitosis also? Meiosis also? Yes, think of the answer. Raise your hand, beta. Think of the answers. Why the splitting of the centromere is required in the anaphase? I told you, now there is no
cramming of these parts, right? Cramming नहीं चाहिए. अब हमें क्या चाहिए? That is now what we want is cramming नहीं चाहिए. अब हमें conceptual understandings चाहिए. क्यों हो रहा है सेंट्रोमेयर यहाँ पे स्प्लिट? बताओ. हाँ जी सहज. मैम तो फॉर द इक्वेशनल डिवीजन है तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के लिए वो स्प्लिट हो जाता है, बाद में अनवाइंड हो जाता है. हाँ, इक्वेशनल डिवीजन है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रखने हैं. आल्सो एक सेंट्रोमेयर होता तो दोनों दोनों क्रोमेटिड्स को मूव करना मुश्किल होता. तो इसलिए नेचर ने क्या किया, उस एक सेंट्रोमेयर को पहले स्प्लिट करके दो बना दिया और यहाँ पे दो सेंट्रोमेयर्स पड़े हैं. एक क्रोमेटिड पेयर अपना सेंट्रोमेयर लेके इजिली मूव हो जाएगा टुवर्ड्स वन पोल एंड अनदर इज गोइंग टू द अनदर पोल. दैट इज इजी मूवमेंट. ठीक है, क्योंकि हर एक के पास, हर सेंट्रोमेयर के पास अपना अपना पेयर ऑफ क्रोमेटिड आ जाएगा. ठीक है, पेयर ऑफ आर्म्स आ जाएगा क्रोमेटिड, एक एक सिंगल सिंगल क्रोमेटिड आ जाएगा. सो इट इज वेरी इजी टू मूव टू द ऑपोजिट एंड्स. ठीक है, दो ऑपोजिट एंड्स में इनका जाना पॉसिबली बहुत इजी हो जाता है. ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक कंसेप्ट हमने नहीं बोला अभी. मैंने ये, मैं प्लांट सेल दिखा रही हूँ बार बार. यहाँ पे मैं आपको प्लांट सेल दिखा रही हूँ बार बार. ये प्लांट सेल में मैं ये कहाँ पे ज्वाइन कर रही हूँ और कैसे ज्वाइन हो रहा है ये? व्हाट इज दिस पर्टिकुलर पार्ट? व्हाई आई एम बेसिकली ज्वाइनिंग इट? देयर इज नो स्ट्रक्चर आउट हेयर. हाउ इट इज पॉसिबली बीन ज्वाइंड हेयर? व्हाट स्ट्रक्चर्स एक्चुअली मेक्स द टू पोल्स? हाउ इज इट पॉसिबल द टू पोल्स आर क्रिएटेड? हाउ द टू पोल्स आर क्रिएटेड इन द प्लांट सेल्स? एनिमल में तो वो सेंट्रियोल्स होती हैं ना, सेंट्रियोल्स होती हैं तो वो सेंट्रोसोम के साथ वो क्या है, ऑपोजिट पोल. सॉरी, ये एनिमल सेल अगर हमें बनाना है तो एनिमल सेल में दिस इज द टू, दे आर हैविंग द सेंट्रियोल्स एंड दे आर ऑल्सो हैविंग द एस्ट्रल रेज. तो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है ना, तो दिस इज हैविंग द एस्ट्रल रेज, राइट? एंड टू द एस्ट्रल रेज देयर आर ऑल्सो द कनेक्शन ऑफ द क्रोमोजोम्स, राइट? सम आर द कॉन्टिन्यूस एस्ट्रल रेज, स्पिंडल फाइबर्स कॉन्टिन्यूस होती हैं कुछ, ठीक है, और कुछ होती हैं जो डिसकंटिन्यूस होती हैं, डिसकंटिन्यूस लाइक दिस दैट डू नॉट रीच टू द नेक्स्ट ऑपोजिट पोल, राइट? एंड सम ऑफ दीज आर द कॉन्ट्रैक्चुअल टाइप्स दैट विच कैरीज द क्रोमोसोम्स. तो इस तरह से इसमें क्रोमेटिड्स होते हैं. ठीक है, तो कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल टाइप की होती है दैट आर कॉल्ड एज अ क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर्स. तो तीन तरह के स्पिंडल फाइबर्स, ये कॉन्ट्रैक्चुअल है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल है, डार्क कर देती हूँ मैं, ये वाली कॉन्ट्रैक्चुअल है जो क्रोमोसोम के साथ जुड़ी हुई है, तो ये वाली. ठीक है, ये डार्क वाली अगर आपको लाइंस नजर आ रही तो दीज आर द कॉन्ट्रैक्चुअल और द क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर्स. बट व्हाट स्ट्रक्चर्स आर मेकिंग द स्पिंडल्स हेयर इन द प्लांट्स? इन द एनिमल सेल इट इज ड्यू टू द एस्ट्रल रेज विच वर प्रेजेंट आउटसाइड द सेंट्रोसोम, द स्ट्रक्चर हैविंग द सेंट्रोसोम हैविंग द सेंट्रियोल एंड द एस्ट्रल रेज, है ना? एनिमल सेल में तो इसकी वजह से है, प्लांट में कैसे बना ये बताओ? स्पिंडल कहाँ से आया? एस्ट्रल रेज तो था नहीं यहाँ पे, सेंट्रोसोम तो था नहीं. Centrosome is a structure found only in the organelle, found only in the animal cell, which has the astral rays also, that which initiates the formation of the spindles. पर यहाँ कहाँ से आई? प्लांटे में कहाँ से आई? प्लांट सेल में कहाँ से आई ये स्पिंडल्स बताओ? हाँ जी, anyone? रमनजीत, what do you answer for this? में फिर माइक्रोट्यूबुल्स फॉर्म होती है ना, टीएमटीज. कौन सी कौन सा स्ट्रक्चर प्लांटे में माइक्रोट्यूबुल्स बनवाता है? वही बस कंफ्यूजन है, वही नहीं याद आ रहा, वही याद नहीं आ रहा. हाँ ठीक है, ठीक है. तो देयर इज अ क्रोमोसोम स्ट्रक्चर. अगर आप क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को सेल ऑर्गेनेल्स वाले चैप्टर में से देखोगे so you will see that there is a centromere to which there is the primary constriction. Centromere is called as a primary constriction to which the two chromatids they are joined, hai na? The two chromatids having the four arms, 1 2 3 4 arms. theek hai, maine four arm structure bhi likha wahan pe. So this is having the four arms but the two chromatids is tarah bhi ho sakti hain arrange, is tarah se bhi ho sakti hain two chromatids. theek hai, this is a primary constriction called as a centromere, but on the sides where there are no arms, no chromatids, there is an extra proteinaceous complex which is arranged, that is called as a kinetochore. theek hai, yahan pe iski sides pe kinetochore hota hai, kinetochore hota hai. ye kinetochore kya karta hai, iski madad se jo pure cytoplasm ke andar, kyunki humne ye padha na ki sara cytoplasm nucleoplasm mix ho gaya ab yahan pe, kyunki wall membrane jo hai wo disappear ho gayi hai, likhi thi maine.
तो इसकी पूरी आउटसाइड यहाँ पे फ्लूइड है, साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड, उसके बीच में बहुत सारे साइटोप्लाज्मिक स्केलेटल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक स्केलेटन जो बनाते हैं, दैट इज द फाइबर्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोवेसिकल्स, ठीक है, ये सब चीजें। तो वहां से माइक्रोफिलामेंट्स को ये सारे इस तरह से अरेंज कर लेता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में से निकाल के ये सारा अरेंज करता रहता है। सो जो क्रोमोसोम यहाँ पे लगे हैं, दे आर अरेंजिंग द माइक्रोफिलामेंट्स एंड दीज माइक्रोफिलामेंट्स दे विल बी जॉइंट टू द सेल वॉल इटसेल्फ, ठीक है, क्रिएटिंग अ पोल, एक पोल बना देंगे, वो सेल वॉल को जाके जुड़ जाएंगे, ठीक है, अपने से ऑपोजिट। यहाँ पे हम एग्जैक्ट सेंटर बना रहे हैं, जरूरी नहीं वो एग्जैक्ट सेंटर ही हो, पर वो सेल वॉल जरूर होगा, ठीक है, हमें तो मेन पोल चाहिए, वो एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द सेल ना भी होगा तो भी चलेगा, पर यहाँ पे क्या है, ये ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स बना देती है जो ज्वाइन कर जाती है सेल वॉल से, तो ये बनती है स्पिंडल, ठीक है, यहाँ पे बनती है स्पिंडल, स्पिंडल्स ये वाली होती है विच आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द कैनेटोकोर, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ काइनेटोकोरिक माइक्रोट्यूब्यूल, KMT, ठीक है, काइनेटोकोरिक माइक्रोट्यूब्यूल्स, उनकी मदद से ये स्पिंडल्स अरेंज होते हैं प्लांट, ठीक है, सो दैट इज सीन इन द एनाफेज एज वेल, स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमेयर्स, मूविंग ऑफ द टू क्रोमेटिड्स ऑफ द क्रोमोसोम्स टुवर्ड्स द डिफरेंट पोल्स, क्योंकि अर्ली लेट मिडल, अर्ली मिडल और लेट अगर आप कंसिडर करोगे तो अर्ली में ये स्प्लिटिंग हो गया, मिडल में ये हाफ वे पहुंच जाते हैं, और लेट में दे आर ऑलमोस्ट टू द एंड, दैट इज टू द पोल, नियर टू द सेल वॉल, ओके, सो दैट इज द एनाफेज, गेटिंग, एंड द लास्ट इज टेलोफेज। अब टेलोफेज में देयर आर द चेंजेस विच आर सीन रिवर्स टू दैट ऑफ प्रोफेज, यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो गई थी, ये रीअपेयर हो जाएगी, न्यूक्लियस डिसअपेयर हुआ था, रीअपेयर हो जाएगा, क्रोमोसोम्स कंडेंस हुए थे, ये वापस फिर से स्ट्रेच होने शुरू हो जाएंगे, फोर आर्म्स नजर आ रही थी, यहाँ पे फोर आर्म्स सारी इकट्ठी होकर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, फ्रीली मूव कर रहे थे, अभी नहीं करेंगे, अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर रहेंगे, ठीक है, तो ऑल ऑपोजिट टू दैट ऑफ द प्रोफेज, दैट इज द टेलोफेज, ठीक है, तो ये सारी चेंजेस आती हैं माइटोसिस में। सेम हैपेंस फॉर मियोसिस टू, मियोसिस टू में भी ये सब कुछ सेम है, मियोसिस वन में सिर्फ प्रोफेज लेंथेंड अप है, बेसिक चेंजेस सारी की सारी सेम है, मेटाफेजिक प्लेट बनेगा मियोसिस वन टू में दोनों में, एनाफेज में यही चेंजेस आएंगे, स्प्लिटिंग नहीं होगा क्योंकि वो अपने आप में पूरे पूरे क्रोमोसोम है, ऐसा पूरा स्ट्रक्चर है, तो स्प्लिट क्यों होगा, ये पूरा पूरा सेंट्रोमेयर उठा के ले जाएगा चारों क्रोमेटिड, चारों आर्म्स को, दोनों क्रोमेटिड्स को पूरा ऐसे उठा के दूसरे पोल पे ले जाएगा, है ना, दूसरा क्रोमोसोम इसके पास यहाँ पे पड़ा है तो उधर दूसरे पोल की तरफ ले जाएगा, तो यहाँ पे स्प्लिटिंग नहीं होगी एनाफेज में मियोसिस में, ठीक है, बाकी मूविंग वही है, दैट इज अर्ली में मिडल यहाँ पे है, फिर उसके बाद मिडल, फिर एनाफेज लेट में आ गए, और टेलोफेज में रिवर्सल हैपेंस, मियोसिस वन में सारा कुछ, मियोसिस वन और टू में सब कुछ सेम है, लेकिन मियोसिस वन में एक चीज डिफरेंट है, वो है इसका प्रोफेज, ठीक है, वो है इसका प्रोफेज। प्रोफेज जो है मियोसिस वन में, इट इज क्वाइट कम्प्लेक्स प्रोसीजर बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ द फाइव सब स्टेजेस, इसके आगे पांच इसकी फर्दर सब स्टेजेस आती हैं, अगर हम मियोसिस वन कंसिडर करेंगे तो पांच सब स्टेजेस क्या है, सबसे पहले आती है दिस इज फॉर मियोसिस वन, ठीक है, मियोसिस वन के लिए ये पहली स्टेज क्या है, दैट इज द प्रोफेज वन। अब प्रोफेज वन में भी पहला स्टेज आता है हमारे पास लेप्टोटीन, ठीक है, लेप्टोटीन इन विच द क्रोमोसोम्स हैव स्टार्टेड कंडेंसिंग, ठीक है, गिविंग द अपेयरेंस ऑफ अ बॉल ऑफ वूल टाइप, वूल की जैसे ऊन का गोला होता है ऐसा एक अपेयरेंस देता है, प्लस बीडेड अपेयरेंस देता है, ठीक है, साथ में ये बीडेड अपेयरेंस देता है जिसमें सारे क्रोमोसोम्स के जो ये सेंट्रोमेयर्स होते हैं ये हमें इधर उधर पड़े हुए नजर आते हैं एज इन फॉर्म ऑफ बीड्स, ठीक है। देन उसके बाद लेप्टोटीन के बाद सेकेंड आता है जाइगोटीन, जाइगोटीन में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वे इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, बायवेलेंट्स का पेयरिंग हो जाता है, बायवेलेंट्स बन जाते हैं, बायवेलेंट का मतलब क्या है, हर एक क्रोमोसोम की हमें एक एक इस तरह से आर्म नजर आनी शुरू हो जाती है विद इट्स सेंट्रोमेयर, ठीक है, और पेयरिंग करते हैं, पेयरिंग का मतलब क्या है, इनके अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, होमोलोगस हैविंग द सेम जीन्स, सेम प्लेसमेंट ऑफ द जीन, सेम करेक्टर, सेम पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमेयर, सेम लेंथ ऑफ द आर्म्स, तो सब कुछ सेम, दे आर द होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। ऑल्सो देयर इज द टेम्परेरी सीमेंटिंग मटीरियल विच इज बिल्ट हेयर कॉल्ड एज, देयर इज कॉल्ड एज अ सीमेंटिंग मटीरियल कॉल्ड एज अ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, दैट इज ऑल्सो सीन इन द जाइगोटी, ठीक है। देन देयर इज
थर्ड इज पेचाइटिन और द पैकेटिन. पैकेटिन में क्या होता है, देयर इज क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन एज अ सिग्निफिकेंट चेंज विच इज टेकिंग प्लेस. सो दिस इज क्रॉसिंग ओवर मीन्स द टू ऑफ द आर्म्स ऑफ दिस, क्योंकि ये सिनेप्टोनिमल है और ये जुड़े ही रहेंगे, अभी तक अभी ये डिसोल्यूशन नहीं हुआ इसमें. पेचिटिन में, पेचाइटिन में या पैकेटिन में जो दूसरी दूसरी दो आर्म्स हैं, दे आर ऑल्सो मेकिंग अप द क्रॉस ओवर्स लाइक दिस एट सेवरल पोजिशंस. ठीक है, इस तरह से क्रॉस ओवर शो करते हैं. क्रॉस ओवर का मतलब क्या है, दैट इज दे आर गोइंग टू एक्सचेंज द पार्ट ऑफ देयर डीएनए, ताकि वेरिएशन आए, डिफरेंस आए, करेक्टर सेम ना रहे. ठीक है, सो दिस इज द क्रॉसिंग ओवर और द रिकॉम्बिनेशन टेकिंग प्लेस एट द पेचाइटिन, अ सिग्निफिकेंट चेंज. देन देयर इज, आफ्टर दिस देयर इज डिप्लोटीन एंड लास्टली देयर इज डाइकाइनेसिस, है ना. तो डिप्लोटीन में क्या रहेगा, देयर इज मोर ऑफ दीज क्रॉसिंग ओवर्स. क्रॉसिंग ओवर्स और ज्यादा ज्यादा बढ़ती जाएंगी और ये बहुत ज्यादा ओवरलैप्ड रीजन्स शो करेगा इस तरह से. मोर ऑफ दीज ओवरलैप्ड रीजन्स, दे फॉर्म मोर ऑफ दीज ओवरलैप्ड जोन्स कॉल्ड एज अ क्यास्मा. सो दिस इज क्यास्मा फॉर्मेशन और क्यास्मेटा फॉर्मेशन टेकिंग प्लेस. ठीक है, क्यास्मेटा बनेंगे या क्यास्मा बनेंगे. क्यास्मा बोलते हैं इनको, ओवरलैप्ड जोन्स को, या क्यास्मेटा बोलते हैं. ठीक है, एंड लास्टली देयर इज डाइकाइनेसिस. तो डाइकाइनेसिस में क्या होता है, there is dissolution, this starts dissolving, ये जो इसका synaptonymal complex है वो भी dissolve होना शुरू हो जाता है. शुरू होता है, खत्म नहीं होता है, शुरू होता है, खत्म होगा जब भी वो metaphase position पे पहुंचेगा, metaphasic plate पे. ठीक है, metaphase position पे जब पहुंचेगा तो दोनों chromosomes को ऐसे रख के फिर उसके बाद ये dissolve पूरी तरह से खत्म होता है. तो plus also there is one more basic change that is called as terminalization. Terminalization means from the opposite ends, this starts unwinding. Open होने शुरू हो जाते, पहले क्यास्मा बन रहे थे, fold हो रहे थे, अभी ये open हो रहे हैं, unwind हो रहे हैं. तो that is called as terminalization. ठीक है, so this is an extended type of the, you can say, changes which are so seen in or noticed in the prophase one of meiosis one, because of which the resultants are quite different. ठीक है, जो resultant हमारे पास जो organisms होंगे या जो सेल्स बनेंगे, डॉटर सेल्स, वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे. ठीक है, सो दिस इज द डिवीजन, सेल डिवीजन. एनी क्वेश्चन टू एनीवन, एनी डाउट विद एनी ऑफ द टॉपिक्स दैट वी हैव कंसिडर्ड थ्रू आउट द चैप्टर फॉर द डिवीजन. हाँ जी, एनी डाउट एनीवन? नो डाउट्स? ओके. So I'm going to ask certain questions related to the chapter. If you know the answer, kindly please raise your hand. If you don't know the answer, then kindly listen it and copy it out, right? Okay. What happens to a cell lying in G naught phase? Hanji. What happens to the cell which is cell lying in the G naught phase, G0 phase? G0 hai, to kya hoga us cell mein? जी सहज, रेस्टिंग फेज पे है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, पर डिवाइड नहीं कर रहा. यस, इट इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, इट इज एट द रेस्टिंग फेज. यस, बट इफ इट इज नॉट डिवाइडिंग, इफ इट गेट द सिग्नल ऑफ डिवीजन, देन इट विल एंटर इनटू जीवन, एंड इफ नॉट देन इट इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड इट इज अंडरगोइंग सम टाइप ऑफ द स्पेशलाइजेशन और डिफरेंशिएशन. कुछ ना कुछ तो है ही है उसका, कुछ ना कुछ तो फंक्शन काम कर ही रहा है वो. ठीक है, सो दैट इज इफ अंडरलाइंग इन अ जी नॉट फेज, इट मे बी इंट्रोड्यूस्ड इन टू द G1 फेज, दैट इज इन टू द सेल साइकिल. इट मे बी इंट्रोड्यूस्ड इफ सिग्नलाइज्ड, एंड इफ नॉट देन इट इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड डूइंग इट्स फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन और परफॉर्मिंग सम स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेशलाइजेशन. ठीक है, तो ये सारे काम कर रहे हैं. राइट, वेरी नाइस. At what stage of meiosis reduction of chromosome number occurs? At what stage of meiosis reduction of chromosome number occurs? Raise your hands. At what stage of meiosis reduction of chromosome number occurs? At what stage in meiosis? Anji? Think of the answer, raise your hand. Others also, please participate. If you know the answers, Raghav, Mitali, Japanpreet, Ishnur, Harnoor, Nidhi, Gursimran, Harman, Anji Beta, Jacqueline, Bolo.
all the same three children, they are time and again giving the answers. Anji, Raman ji? Anaphase 1. Very right. This is anaphase 1. Why not metaphase 1? क्योंकि मेटाफेज वन में अभी तक वो कंसिस्टेंसी वैसी ही है, अभी सेपरेट नहीं हुए है ना, तो रिडक्शन नहीं आया, अभी तक वो सेपरेट नहीं हुए, वो सेंटर में है मेटाफेज वन में, प्लेट पे लगे. तो मेटाफेज वन इज अ रिस्पॉन्सिबल क्योंकि उसने ऐसा अरेंज करवाया था, लेकिन हुआ तो रिडक्शन किस में है, एनाफेज वन में. वेरी नाइस रमनजीत, वेरी गुड. ओके नाउ नेक्स्ट इज डिफाइन डिसजंक्शन. यू नो व्हाट इज डिसजंक्शन? This is a term, disjunction. What is disjunction? Many times I have used the word non-disjunction. What is disjunction? Yes. What is disjunction? Batao, what is disjunction? No answer. Disjunction. कितनी बारी मैंने नॉन डिसजंक्शन यूज किया थ्रू आउट द चैप्टर आल्सो एंड रिवीजन आल्सो. नॉन डिसजंक्शन, ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन द क्रोमोसोम विल नॉट बी गिवन. डिसजंक्शन इज व्हेन द क्रोमोसोम्स एट एनाफेज सेपरेट. ठीक है, दैट इज द सेपरेशन ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स इन एनाफेज वन ऑफ मियोसिस वन. ठीक है, मियोसिस वन में ये जो अभी हमने बात करी, ये दोनों क्रोमोसोम्स हैं, तो ये इस तरह से जुड़े हुए हैं. ठीक है, होमोलोगस है, तो जब ये मेटाफेसिक प्लेट पे आके लगे तो इस तरह लगे, और उसके बाद जब ये दो पोल्स पे चले जाएंगे तो दैट इज दे आर गेटिंग डिसजंक्टेड, डिसजंक्शन. ठीक है, और डिसऑर्डर आता है जब ये दोनों क्रोमोसोम ऐसे अलग नहीं हुए, नॉन डिसजंक्शन हुआ और दोनों के दोनों किसी एक पोल में चले, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ डिक्रीज हो जाएगा. अगर ये गेमीट फ्यूज करता है तो डिक्रीज काउंट होगा, ये गेमीट फ्यूज करेगा तो इंक्रीज काउंट होगा, इफ मियोसिस इज देयर. ओके, गेमीट्स की बात करिए, मियोसिस में, नॉट इन माइटोसिस. गेटिंग डिसजंक्शन इज व्हेन द टू क्रोमोसोम्स homologous chromosomes, they get separated in anaphase 1. Non-disjunction is when the two chromosomes, they are not separated and they move to either of the poles together. इकट्ठे ही चले जाते हैं, सेपरेट नहीं होते, तो वो non-disjunction. ठीक है, non-disjunction का resultant होता है that they will lead to some disorders. Okay, हाँ जी, any doubt to anyone? Further we'll be revising the next chapter tomorrow, day after. हाँ जी बेटा, कोई doubt है किसी को? कुछ नहीं समझ आया?